देखिए दोस्तों, आज हम चेस बोर्ड केक बनाएंगे, जिसके लिए हमें दो कलर के केक की जरूरत होगी। एक ब्राउन कलर का केक और एक व्हाइट कलर का केक। ये जो मैंने ब्राउन कलर का केक बनाया है, ये बॉर्नविटा फ्लेवर है। इसका लिंक मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। ये जो दूसरा केक है, ये मैदे का केक है। इसका लिंक भी मैंने आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। आओ हम चेस बोर्ड केक बनाना शुरू करते हैं। इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह हम दूसरे पीस को भी काट लेंगे। देखिए, दूसरे पीस को भी मैंने इसी तरह काट लिया। इसी तरह हम व्हाइट केक को भी काट लेंगे। इस व्हाइट वाले केक को हम दो पीसेस में काटेंगे। देखिए, इस केक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक कटोरी लेंगे जो इस केक के बीचों बीच आ जाए। अब हम इस कोली को प्रेस करेंगे और केक को काट लेंगे। इसी तरह हम बाकी केक के भी पीस निकाल लेंगे। अब हम एक बीच वाले पीस से भी छोटी कोली लेंगे, उसे बीच में रख के फिर से काटेंगे। इसी तरह हम ब्राउन के बीच में व्हाइट केक का पीस और फिर से ब्राउन केक का पीस डालेंगे, और व्हाइट केक में ब्राउन का पीस और फिर से व्हाइट का पीस डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ब्लैक केक के बीच में व्हाइट केक का पीस और व्हाइट केक के बीच में ब्लैक केक का पीस लगा दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम ले ली है। अब हम इसके साथ केक के ऊपर आइसिंग करेंगे। इसी तरह हम सभी केक को एक दूसरे के ऊपर रखकर आइसिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने व्हिप्ड क्रीम लगा दी है। अब इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम फिर मिलते हैं। देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम फिर से इस पर आइसिंग का डबल कोट करेंगे। देखिए, हमने डबल आइसिंग कर ली है। देखिए, हमारा चेस बोर्ड केक रेडी है।